और भाई लोग कैसे, सब ठीक ठाक? मज़ा आया देख के कल का वीडियो। और जैसे कि आज मैं एक नया अपडेट लेके आया हूँ विजय सर के बर्थडे के मौके पर। कल रात 12 बजे एक सेकंड गिफ्ट यानी कि सेकंड लुक का जो लुक रिवील किया गया था रात को 12 बजे, उसका डिटेल में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बात करते हैं दोनों वो जो लुक के बारे में रिवील किया गया था, एक कल रात को और कल शाम 6 बजे। और चीज़ें जो है वो बहुत अच्छी आई हैं, दोनों पोस्टर्स मस्त लगे सन पिक्चर की तरफ से। और ट्विटर में ट्रेंडिंग रहा कल पूरा दिन भर, रात भर ट्रेंडिंग रहा इसका। 2 मिलियन ट्वीट्स हो चुका है और लाइक्स तो अभी तक चल रही है, 4-5 लाख लाइक्स आ चुकी है। और बात करते हैं दोनों पोस्टर के। पहले पोस्टर में आप लोग पीछे देख रहे होंगे कि एक बड़ा सा गन पकड़ के स्मोक बैकग्राउंड के साथ विजय खड़े हुए हैं, और दूसरे पोस्टर में आप लोग देख रहे होंगे कि छोटा सा गन है जो हाथ में पकड़े हुए हैं, और उसके साथ आप लोगों को देखने को मिलेगा एक बड़ा गन उनके एक पैर के साइड में है, और मुंह में बुलेट लगाए हुए हैं। मतलब लोग अक्सर बहुत सारे पोस्टर्स में वो सीक्रेट होता है, तो यहाँ पे थोड़ा यूनिकनेस है। ये स्टार्डम है दलपति विजय का, जिसमें हमको एक बुलेट मुंह में रखने का दिखाया है पोस्टर में, और पोस्टर एकदम धमाकेदार। बैकग्राउंड में एक हेलीकॉप्टर है, और जैसे सेकंड पोस्टर मतलब आया हुआ है सेकंड लुक का, उसको देख के लग रहा है कि वो मतलब कुछ सुपर कॉप टाइप का रोल होगा। जैसे मुझे लगता है कि ये सुपर कॉप टाइप का ही रोल है, और डिटेल्स तो पता नहीं, मतलब जब रिवील होगा तो होगा, मतलब टीजर के साथ आ जाएगा इसका कि कौन सा रोल निभा रहे हैं, तब हम एक नए वीडियो में उसको डिस्कशन करेंगे। और बात करें इसकी हिंदी डबिंग राइट्स की, और अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया कि हिंदी डबिंग आएगी बीस्ट का। और बीस्ट का एक सबसे बड़ी बात यह है कि कल मैं ट्विटर पे देख रहा था, मतलब कुछ लोग इसको उनके बर्थडे के साथ रिलेट कर रहे थे। तो जैसे कि मतलब हम अगर वो टाइटल के ऊपर ध्यान दें तो टाइटल है बीस्ट, और बी में हमको न्यूमेरिकल के हिसाब से बी सेकंड नंबर पे आता है, मतलब 2। तो सिक्वेंशियली अगर हम सारे लेटर्स को अटैच करें तो वो 47th होता है, जो कि विजय सर का 47th एज को दर्शाता है। मतलब विजय सर आज पैदा हुए थे और उनको आज 47th हुआ एज में। तो लोग इतने बड़े फैन हैं विजय सर के, हर जगह फैन हैं, तो उन्होंने इसको कोरिलेट किया हुआ है कि अगर टोटल बीस्ट का टाइटल कार्ड मतलब को हम कैलकुलेट करें तो वो 47th आता है। तो इसीलिए इस मूवी का टाइटल जो है बीस्ट रखा गया है, लोगों के कहने का बात है। लेकिन प्रोड्यूसर डायरेक्टर की ओर से कोई ऐसा कोई मतलब हिंट वगैरह नहीं आया कि हाँ उसके बर्थडे के साथ रिलेट हुआ है। लेकिन हाँ, फैंस पूरे मतलब पागल हैं, कल रात से 12 बजे से बहुत सारी जगह पे सेलिब्रेशंस हो रही हैं, और वो कभी नए वीडियो में मैं डिस्कस कर लूँगा कि वहाँ पे सेलिब्रेशंस कैसे होती है। केक वगैरह काट के पूरा केक के ऊपर मतलब पूरा पेंटिंग होता है, उसके साथ डेकोरेशंस की जाती है और केक काटते हैं। जैसे विजय देवरकोंडा के एक मूवी आएगी जो लाइगर, उसका हुआ था, लोग टैटू बना रहे थे मतलब ये सब साथ में लेके, तो इसको भी देख के वही लग रहा है। और कल रात को सेलिब्रेशन हुई, रीट्वीट भी हुई ट्विटर पे, ट्रेंडिंग हुआ। और स्टार्डम तो भाई अलग है, साथ में आपको पता होगा कि एक कॉम्बिनेशन है अनिरुद्ध के साथ है उनका। इससे पहले कत्ती में अनिरुद्ध सर का म्यूजिक मैंने सुना था उनके साथ कॉम्बिनेशन, और अभी मास्टर में फिलहाल में हम लोग सुने हैं। जैसे तो आप लोगों को पता ही है 250 मिलियन के आसपास, अभी बाती कमीन सॉन्ग जो टाइटल सॉन्ग था वो 250 मिलियन के आसपास हो गया है, और इसमें भी अनिरुद्ध अभिनय का म्यूजिक सुनाई दे रहा है, और काफ़ी मतलब कैची और स्टाइलिश लग रहा है म्यूजिक। बैकग्राउंड में जब पोस्टर को धीरे धीरे स्लो मोशन में नीचे से लेके उनके फेस तक जब रिवील किया जा रहा है गन पकड़ के खड़े हुए हैं, तो हमेशा एक की रोल जो होता है अट्रैक्शन का वो अनिरुद्ध लेके आते हैं। म्यूजिक के साथ जब दलपति विजय की स्टारडम हो और अनिरुद्ध सर की म्यूजिक हो तो ब्लॉकबस्टर होने से तो कोई नहीं रोक सकता। और हिंदी रिलीज
जितना मुझे पता है 60-70% तक हिंदी रिलीज कंफर्म है, क्योंकि जैसे हम लोगों को पता है विजय द मास्टर जब नहीं आया था तब सब लोगों को पता था कि ये तमिल और तेलुगु दो लैंग्वेजेस में आएंगे। अब ट्विटर में कम से कम एक हफ्ता तक वो ट्रेंडिंग में था कि भाई हम हिंदी में देखना चाहते हैं, हिंदी में लेके आइए। मैं खुद ट्विटर पे था और रेगुलरली धीरे धीरे ट्वीट करने के बाद मैं रेगुलरली ट्वीट देखता रहा 6 दिन 7 दिन, और एक हफ्ते के अंदर अंदर फाइनली मेकर्स ने ये पोस्ट डाला कि हाँ हम इसको हिंदी में रिलीज़ करेंगे। और कोई इससे पहले मतलब एक साल बीत गया था, कोई अपडेट नहीं आया था कि हिंदी में आने वाला। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और जो लोग नए हैं आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, अब मोटिवेशन कैसे मिलेगा नए नए वीडियो आपके लिए बनाने की, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो।